बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम फाइबर के ज़रिए अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। मैंने लिख दिया फाइबर लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्लिक कर दिया। आप फाइबर को गूगल के अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी गूगल अकाउंट से साइन इन था, तो ये मैं इसको गूगल अकाउंट से साइन इन कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं देख यूट्यूब थंबनेल को सर्च कर लूँगा, क्योंकि यूट्यूब थंबनेल एक ऐसा काम है जो कि सबसे बेसिक है और आप इसको किसी भी लेवल पर जाके कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि ये पहला डर कर लिया है, इसका बहुत प्यारा सा थंबनेल बना हुआ है। हम देखें कि इसमें एक पूरी वीडियो बनी हुई है थंबनेल के ऊपर कि वो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा ये नीचे जो है इसकी डिस्क्रिप्शन है कि के बारे में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आई विल डिज़ाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल इन 3 hours, यानी 3 घंटे में वो आपको एक अच्छा थंबनेल बना के दे रहे हैं। अभी देखिए बहुत से लोग जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनका उनकी देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन हमारे सामने आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये थंबनेल बनाने का तरीका क्या है, कैसे आप लोग ये सर्विसेज मोबाइल के ज़रिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम जो मोबाइल को कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप के साथ, और आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन दिखाता हूँ और कैसे एक सिंपल सी मोबाइल ऐप है जो कि थंबनेल को क्रिएट कर सकती है। हमने मोबाइल को कनेक्ट कर लिया। ये मोबाइल की स्क्रीन अब लैपटॉप के ऊपर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हम गए मोबाइल की स्क्रीन पे, इधर जाके हमने प्ले स्टोर से एक सिंपल सी ऐप इंस्टॉल कर ली है जिसका नाम है कैनवा। मेरे पास अभी ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं वो कैनवा जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आई है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करके मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे कैनवा ऐप से आप सिंपल सी पोस्टर्स, इंस्टाग्राम की ऐप्स, फेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं। ये कैनवा में हम आगे इस पर नीचे प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके हमारे पास ऑप्शन आ गए जिसमें मोबाइल वीडियो स्टोरी यूट्यूब थंबनेल यूज़, इसके अलावा बैनर्स, वीडियो, लोगो, इंस्टाग्राम पोस्ट, कार्ड, नोटिफिकेशन, आप सब कुछ इसके ज़रिए आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आप एक यूट्यूब पर सिंपल से थंबनेल क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया, थंबनेल का डिज़ाइन हमारे सामने ओपन हो गया। अब इसमें से हम किसी एक को चूज़ कर लेते हैं। ये मैंने फर्स्ट को चूज़ कर लिया है। अब देखिए इसमें से आप तस्वीर चेंज करें या जो कुछ इसमें लिखा हुआ है सब कुछ हम अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के लिए थंबनेल बना सकते हैं। हमें यहाँ पे तस्वीर पर क्लिक करता हूँ। हम देखिए यहाँ से आप उसको तस्वीर को चेंज करें, अपने मोबाइल के गैलरी से तस्वीर को सिलेक्ट करें, फिर ये यहाँ से नाम चेंज कर लें। उसके बाद ये नीचे लिखा है सब्सक्राइब, इसको चेंज कर सकते हैं। नाम को रोटेशन दे सकते हैं, पीछे से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का भी आप इसमें चेंजिंग लाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी की आप चेंजिंग ला सकते हैं। इस तस्वीर को उठा के मैं सामने अपने मोबाइल की स्क्रीन से कोई स्क्रीन लिखाता हूँ और बैकग्राउंड को भी मैं चेंज कर देता हूँ। अब ये देखेंगे मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया है, आप तस्वीर को छोटा बड़ा भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड मोबाइल की स्क्रीन के गैलरी में से कोई तस्वीर लगा देता हूँ, जैसे मैंने अपनी एक तस्वीर सेलेक्ट की है और मैंने एक अपनी तस्वीर लगा दी है। कोई भी तस्वीर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने अपनी एक तस्वीर इसमें ऐड कर दी है। हम देखिए ये तो एक सिंपल सा डिज़ाइन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी डिज़ाइन आप इसमें लगा सकते हैं। इसका बैकग्राउंड वाइट है, लेकिन आपको अगर वाइट की जगह कुछ और बैकग्राउंड रखना चाहिए तो वो बैकग्राउंड भी आप इसमें रख सकते हैं। या अभी अपने चैनल का नाम भी लिख देते हैं क्योंकि हमारे यूट्यूब की थंबनेल में आ जाएगा। मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। उसके बाद ये सारा कुछ हो गया, आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये ऊपर आपको एक तीर का निशान नज़र आ रहा होगा, इसके आप क्लिक करें तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी।
डाउनलोड भी आप इसको कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, ये हमारा डाउनलोड वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऐसा करते हैं कि लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ भी जाके चलते हैं कि गिग कैसे क्रिएट करनी है। ये फाइवर में आ गए, क्रिएट की पे क्लिक किया तो ये हमारे सामने एक गिग ओपन हो गई है। अब हम एक पुराना अपना जो यूट्यूब का हमने पहला अकाउंट खोला था थंबनेल का, इसी को इसकी डिस्क्रिप्शन और इसका टाइटल कॉपी करके लेते हैं, वहाँ पर पेस्ट कर देंगे क्योंकि ये बेहतर टाइटल है। और डिस्क्रिप्शन भी इसी की कॉपी कर लेते हैं, नहीं इसमें कुछ चेंज ही कर लेते हैं। इसका टाइटल है आई विल डिज़ाइन हाई क्वालिटी यूट्यूब थंबनेल्स। अब मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको अपने जो गिग में बना रहा हूँ उसमें इसको पेस्ट कर लूँगा। ये मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी के बाद हम इसके लोगो डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें मुझे कुछ टैग एंटर करने हैं, टैग्स वो होते हैं जिसकी वजह से लोग आपको सर्च करेंगे। तो अब जो जो सर्विसेज अपने गिग में देंगे ऑफर टैग में आपने इंटर कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं एक थंबनेल का टैग इंटर कर देता हूँ, उसके अलावा मैं पोस्टर्स का कैलीग्राफी पोस्टर का, उसके बाद इसमें इंस्टाग्राम का भी ऐड कर लूँगा। इंस्टाग्राम पोस्ट भी के नज़रिए हम बना सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, तो मैंने पार्टी इनविटेशन का भी एक टैग इंटर किया है, इसको मैं सेव कर लूँगा। सेव कर लिया मैंने, उसके बाद नेक्स्ट इसका है यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, ये सेव हो रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि आपने इसकी टाइप को इंटर किया हुआ, टाइप सेलेक्ट कर लिया, हमने इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट अब हम आगे प्राइसिंग की तरह, ये प्राइसिंग यानी आप कितना टाइम इसको डिलीवर करेंगे और उसके लिए आप पेमेंट क्या लेंगे वो सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद डिस्क्रिप्शन है, आपने अपने गिग की डिस्क्रिप्शन देनी है। आप ये कॉपी से डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं और उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसमें कुछ ना कुछ अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर लें, अगर कोई क्वेश्चन ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी जो आप अपने कस्टमर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, यानी आप क्या क्या चाहते हैं कि आप कस्टमर आप किस किस चीज़ के जवाब दे दो, यानी आप उसे डिज़ाइन के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि आप मैंने लिख दिया है डू यू हैव एनी डिज़ाइन, और उसके अलावा आप उससे बेस्ट आइडियाज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ये दोनों आप रिक्वायरमेंट अपनी ऐड करके उसको सेव कर दें। रिक्वायरमेंट्स भी आप किसी भी यूट्यूब थंबनेल की वीडियो से देख सकते हैं किस किस की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद गैलरी आ जाता है, नेक्स्ट हमारा है गैलरी। गैलरी में आपने कोई ना कोई अपना थंबनेल लगाना है जो यानी आपके केक में सामने रिप्रेजेंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपना लगा दिया है केक में दिल, मेरे नाम का टाइटल लगा दिया, ऊपर डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मैं यूट्यूब थंबनेल बनाता हूँ। इस तरह का एक कैनवा के जरिए कोई ना कोई पोस्टर बना लें, कोई वीडियो बना सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं और कोई थंबनेल का पोस्टर भी लगा सकते हैं। तो ये आप इसको सेव कर देंगे तो ये हमारी केक कम्प्लीट होंगी। लास्ट में मैं इसको पब्लिश कर दूँगा, नीचे पब्लिश का बटन मौजूद था जो उसको मैंने पब्लिश कर दिया है। तो ये एक आसान सा तरीका था जिसकी मदद से हम एक सिंपल सी कैनवा ऐप को इस्तेमाल करके अपनी गिग फाइवर में बना सकते हैं और इस गिग की मदद से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलती जाए। शुक्रिया।